गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरे साथ। आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरे किचन की डीप क्लीनिंग मैं कैसे करती हूं और अपने दोनों काउंटर टॉप को मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। तो जी, सबसे पहले जितने भी मसाले के सैशे होते हैं, यानी मसाले के पैकेट्स, जैसे कि मैगी हो गया, सॉसेस हो गए, कॉफ़ी हो गई, इन सबको अच्छे से तय करके एक कंटेनर बॉक्स में रखती हूँ। और जितने भी सारे कलर्स हैं और एसेंस हैं जो कि मुझे बेकिंग के वक्त ज़रूरत में आते हैं, तो उन सबको भी एक ही बॉक्स में मैं रखती हूँ, छोटे से बॉक्स में, ताकि कभी अगर लीक भी हो तो बाहर ना फैले और उसी कंटेनर में ही गिरे। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर इधर उधर फैली हो तो किचन बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है, तो इससे बेहतर यही है कि एक ही जगह पे रहे और किचन ऑर्गेनाइज भी हो और यूज़ करने में मतलब बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाता है, ढूंढना नहीं पड़ता कि कहाँ है। अच्छा, तो इसके साथ और कुछ चीज़ें रहती है, जैसे कि गोल्डन डस्टर, टूटी फ्रूटी, चेरी स्प्रिंकल्स, जो कि केक के सारे मटेरियल्स हैं। ये सारी चीज़ें अब तो रियान को भी ये वीडियो देखने के बाद रियान और आयन दोनों को पता चल जाएगा कि मैं छुपा के कहाँ पे एक्चुअली रखती हूँ, क्योंकि जब भी वो मुझे पूछते हैं तो मैं कहती हूँ कि ख़त्म हो गया, केक में यूज़ हो गए सारे। ये जो टूटी फ्रूटी वगैरह ये हो गया, ऐसी सारी चीज़ें जो कि बच्चों की खाने की चीज़ें होती है, मैं सोचती हूँ कि एक महीने चल जाएंगे, लेकिन जैसे ही रियान और आयन को पता चल जाता है तो वो दो दिन में ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा, तो फिर दूसरे बॉक्स में मैंने रखा है, यहाँ पे कुछ बची हुई चीज़ें मैं रखती हूँ, जैसे कि ये अचार मसाला हो गया, मिश्री हो गया, उसके बाद ये दालें वगैरह जो कि कंटेनर में फिट नहीं आ रहे थे तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा बच गया था वो, उसके बाद ये पंचफोरन और ये रोस्टेड अजवाइन और ये इलू ये पान मसाला मिक्स है मीठा वाला, और ये गुड़ जो कि मैं चाय में यूज़ करती हूँ, उसके बाद हींग और ये माचिस के सारे पैकेट्स, और ये तीसरे वाले में है रू अफ़ज़ा, मेरा चॉपर, हनी, सरसों का तेल, लक्ष्मण रेखा एंड घी। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपने माइक्रोवेव की डीप क्लीनिंग। जी हाँ, आप देख सकते हैं मैं प्लग को पहले निकाल देती हूँ और स्विच बोर्ड को साफ़ करती हूँ सबसे पहले, और फिर ये माइक्रोवेव साफ़ करने के बाद अंदर और बाहर से अच्छी तरह से, फिर मैं इसका जो ये वायर होता है इस पार्ट को भी मैं साफ़ करती हूँ, पता नहीं वरना मुझे मतलब चैन ही नहीं आता, ऐसा लगता है उसमें भी डस्ट वगैरह सब कुछ चिपके हुए होते हैं, वो अगर आप महीने में एक बार अगर डीप क्लीनिंग ना करो तो वो एकदम जम जाता है, क्योंकि किचन का है, बाहर का तो जम जाता है, किचन का तो और भी ज़्यादा। तो इसलिए हर तरह से डीप क्लीनिंग का मतलब यही होता है कि एक एक इंच को मैं साफ़ करती हूँ घर की हर चीज़ को। और उसके बाद एक बात और मैं बता दूँ कि मैंने अपने किचन ड्राइंग एंड डाइनिंग को मतलब ये पूरा काम मैंने 3 दिन में कंप्लीट किया है, तो कोई ये ना सोचे कि ये मतलब अभी ये येलो में आ रही है और थोड़ी देर बाद पिंक में, थोड़ी देर बाद ब्लैक में, कपड़े कैसे चेंज हो रहे हैं, तो ये मैंने पूरे 3 दिन में किया है अपने सहूलियत के हिसाब से, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ ताकि आपको समझने में कन्फ्यूज़न ना हो और आप सही तरीके से समझे कि एक एक चीज़ की सफाई कैसे होती है, मतलब मैं कैसे करती हूँ। तो वन साइड ये हो गया मेरा कंप्लीट। ये है सेकंड काउंटर टॉप का एरिया, और आप जितना भी एग्जॉस्ट फैन चलाओ, किचन है तो थोड़ी सी तो चिकनाई होगी ही, और ये गैस स्टोव के ऊपर का हिस्सा है, तो पहली बार डिटर्जेंट बार से स्कॉच ब्राइट लेके थोड़ा सा उसको वेट करके अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ करती हूँ, उसके बाद लाइजॉल वाले जो कपड़े होते हैं उससे साफ़ करती हूँ। तो पूरा टाइल्स वगैरह सब कुछ साफ़ करने के बाद आती है बारी गैस की। गैस भी सेम पहले स्कॉच ब्राइट से अच्छी तरह से भिगो के साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद अच्छे सूखे कपड़े से। अच्छा, एक टिप्स और मैं देना चाहूँगी यहाँ पर, अगर आपका स्टील का है, अगर ये ग्लास वगैरह का नहीं है गैस स्टोव, तो आप कभी भी अगर सफाई कर रहे हैं तो स्टील का जो गैस होता है उसमें स्कॉच ब्राइट को अच्छी तरह से रगड़ दे, और उसके बाद एक सूखे कपड़े से जो कि आपकी किचन टाल ही होगी उससे अच्छी तरह से आप पोंछ दे उसको सूखे कपड़े से, देखना आपकी गैस जो है वो एकदम चमक जाएगी। और ये टिप्स मुझे सुजाता दीदी ने दिया था, लेकिन ये मेरा ग्लास का है तो मैं स्कॉच ब्राइट से नहीं रगड़ सकती, स्कॉच ब्राइट का जो फॉर्म एरिया होता है, फॉर्म साइड, मैं उससे साफ़ करती हूँ ताकि जो दाग वगैरह है वो ना हो।
और उसके बाद है ये काउंटर टॉप को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद जो सारे स्पैचुलास होते हैं मेरे, जो कि मुझे हर दिन नहीं हर वक्त ज़रूरत में आते हैं, वो मैं पास रखती हूँ। और ये दूसरा वाला स्पून होल्डर है जिसमें तरह तरह की जैसे डिज़र्ट स्पून, टेबल स्पून, फोक, साथ में नाइफ, पिलर और उसके साथ एक सीज़र भी रहती है। और उसके साथ पास में रखती हूँ हमाम दस्ता। और ये सारे बर्तनों को मैंने धो दिए थे तो सूखने के बाद उसको इस तरह से तय करके रखती हूँ, अपनी अपनी जगह पे सब कुछ सेट हो तो सही रहती है। और ये जो झूला है इसमें रहती है प्याज, और प्याज ख़त्म हो गए थे तो मैंने इसको भी धोया था बर्तन के साथ, और फ्लावर्स को भी मैंने धोया था, और दोनों पास ही में थे तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। और ये पूरे किचन में जो टाइल्स लगी हुई है उसकी साफ़ सफाई है, और मैं हर महीने डीप क्लीनिंग करती हूँ इसलिए मुझे सालाना कोई ख़ास साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, करती हूँ एक बार न्यू ईयर आने से पहले, जो कि मेरे बेड के नीचे का जो कबर्ड्स होता है उसको साफ़ करती हूँ, और हमारे कबर्ड्स के ऊपर जो स्टोरेज कबर्ड्स है बस सारी चीज़ें निकालती हूँ अच्छी तरह से, उसको साफ़ सफाई करके फिर उसी जगह पे वापस रख देना है। अंदर की चीज़ें मैं छेड़ती नहीं हूँ। और उसमें मेरी सारी साड़ियाँ हैं और ड्रेसेस हैं और आउट ऑफ फैशन के सारे हैंडबैग्स हैं, और सारे मैं यूज़ नहीं कर रही, बट पुराने तो बिल्कुल भी नहीं है इसलिए अभी तक घर से उसको मैंने डिस्कार्ड नहीं किया है। और हमारी शादी के जोड़े भी हैं जो कि हमने पहना था हमारी शादी के वक्त। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन एंड फ्रीज को अंदर से भी साफ़ किया था, और वॉशिंग मशीन का मैंने क्लिप लेना भूल गई, और फ्रीज का किसी और दिन दिखाऊंगी वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर होने लगेंगे। और प्लीज़ आप लोग बोर मत होइए, और ये मेरा रूटीन है जो मैं अपनी ज़िंदगी में करती हूँ वही आप लोगों को दिखाती हूँ, तो इसीलिए मेरा चैनल का नाम भी है मेरे साथ, यानी कि मैं जो भी करती हूँ वो लोग वो सारी चीज़ें आप मेरे साथ देखें और मेरे साथ जुड़े रहें। तो ये रहा फाइनल लुक, कंप्लीट है पूरा किचन का काम और मुझे आया अभी सुकून। तो चलिए अभी बनाते हैं आलू मेथी की सब्ज़ी। एक पूरा बंडल मेथी को मैंने साफ़ करके कट करके धो के लिया है, अगेन सिर्फ पत्ते को। 1 टमाटो, 1 अनियन रफली चॉप्ड, 3 बड़े आलू क्यूब्स में कटे, और 2 सूखे लाल मिर्च, उसके बाद ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट एंड ऑयल। तो यहाँ पे कढ़ाई गरम करके मैंने सबसे पहले डाला 3 बड़े चम्मच, यहाँ पे टेबल स्पून मैंने सरसों तेल के डाला, और तेल बिल्कुल भी कम नहीं डालना है वरना कड़वा बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए तेल ज़्यादा ही डालें। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, और उसके बाद आलू, और आलू की भुनाई बहुत अच्छे से करनी है बिल्कुल लाल होने के तक। अच्छा, जब ये थोड़ा सा पकने लगे तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करने हैं प्याज, और इसको थोड़ा सा हम ट्रांसलूजन होने देंगे, और उसके बाद फिर से शामिल करेंगे यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट, और तीनों एक ही साथ अच्छे से भुनाई करेंगे तीनों की, जब तक ये गोल्डन कलर में ना आ जाए तब तक। अच्छा, फिर स्टेज पे आने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे टमाटो, और उसके बाद टमाटो जैसे ही डाल देने हैं फौरन ही डाल देने हैं हमको यहाँ पे नमक और हल्दी, और उसके साथ लाल मिर्च का पाउडर, मैंने कश्मीरी लिया है, और क्योंकि बच्चे नहीं खाते दिखा वाला इसलिए मैं हर चीज़ में मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करती हूँ,
आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे तिखा वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो मसाले के साथ भुनाई करने के बाद हमें यहाँ पे शामिल करने हैं मेथी, और आप मेक श्योर हो जाएं कि मेथी में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी पानी रहा साग में तो आपकी सब्जी तो कड़वा होना तय ही है, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से। और इसके बाद इसमें शामिल करने हैं हमको अचार का मसाला। अगर आपके पास रेडीमेड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो घर में बना ले, बहुत ज़्यादा इजी है। मैंने यहाँ पे भर के 2 चम्मच अचार मसाला डाला है, और इसके बाद इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है, स्लो फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना साग में जो है, क्योंकि नमक डाला हुआ है तो फिर वो पानी छोड़ने लगेगा और सब्जी सच में बहुत ज़्यादा कड़वी बन जाएगी, इसलिए हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है बस थोड़ी ही देर। और लास्ट में डालना है 1 चम्मच देसी घी, और ये बन गई हमारी मेथी आलू की सब्जी। तो जी, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।